ज्यादा दिक्कत हो जाएगा 7 सिग्नल्स को। को आप देखें उतना ज्यादा ऊपर थे, उसके बावजूद गमला बॉय ने उनको डाउन किया एंड सी और एंडियो दोनों फंस गए, बट क्लच गॉड वो पीछे मौजूद है, सी गॉड को भी डाउन किया गया, क्लच गॉड केस भी काफी ज्यादा कम है, साम्राज्य को वहां पे डाउन किया गया, मोस्ट पर भी खत्म किए जाएंगे, बट सी गॉड नियो दोनों ऊपर नॉक हुए, बचाने का कोई मौका बन सकता है यानी थोड़ी देर में पता चलने वाला, बट क्लच गॉड एसपी काफी ज्यादा कम, साम्राज्य को डाउन किया गया था वो भी यहाँ पे खत्म होते हुए दिखाई देंगे, दो प्लेयर डाउन है, सामने स्काईलाइट की बात करें मोस्ट पर भी उनका भी हमें दो प्लेयर डाउन होता हुआ दिखाई देगा, डेस्ट्रोन केस भी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, पीछे मुझे लगता है निकमा के जो प्लेयर है उनको डैमेज दे जरूर दे रहे हैं, डेस्ट्रो बड़े सही टाइम पे स्मोक के अंदर आए हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर दे हुए गमला बॉय आखिरी प्लेयर अपनी टीम से सर्वाइव करते हुए और जॉनथन बिल्कुल आगे जा रहे हैं फाइनल की पूरी अच्छी कोशिश लेकिन गमला बॉय पर नॉक और फिनिश जरूर किया जाएगा इस बार गॉड लाइक बेहतरीन कोशिश जॉनथन की वो देखा लगी सैर सपाटे पर निकले हुए जी बिल्कुल उनका एक था जरूर कि कोई तो आ जाए जिनको गाड़ी से उड़ा दे बट ऐसा कुछ हुआ नहीं सीधा गाड़ी लेके यहाँ पे ऐसी एक सराय पे मीज दो सर्कल के बाहर हैदराबाद डुआ सर्कल के बाहर ये सब सर्कल के बाहर हो चुके बट शैडो को पीछे से कवर फायर मिल रहा है डैमेज काफी ज्यादा बट वहा
स्प्रे जाता हुआ रिवर्स को वहां पे डाउन किया गया, वर्स को वहां पे डाउन किया गया, और इसी के साथ जैको बॉय तो क्या वो भी डाउन होंगे, इस ब्लैक के द्वारा डाउन किया गया था, जोनाथन थे जो वहां पे रिवर्स को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। जैको बॉय का फिनिश किसको मिला, और वो एक्वानॉक्स फिनिश निकाल के जाते हुए। लेकिन क्लच गॉड थोड़ा ज्यादा आगे जा रहे हैं, एंड कितना अच्छा डिसीजन हो सकता है, बिल्कुल सामने उनके प्लेयर्स जाएंगे, बट सेंट्रल एरिया एक्वायर करने के लिए क्लच गॉड गए हैं, और वहीं पर शायद उनकी गाड़ी की ब्रेक्स लगेंगे। उससे पहले अगर हम लोग बात करें आईएसओ की, वो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, एस ब्लैक उनके बिल्कुल सामने, बट पीछे एक एयर ड्रॉप आता है उस डिप के अराउंड, वो एयर ड्रॉप हमें नजर जरूर आ जाएगा जहां पर कोई प्लेयर अभी के लिए है नहीं पड़ेगा। अच्छा ग्रेनेड आरआईपी आईएसओ के बिल्कुल सामने, एंड उनको टेक डाउन किया जाएगा। हैदराबाद हाइड्रा इस फाइट में आती है, वहीं पर पंक सोल के प्लेयर्स के लिए दिक्कतें बनते हुए नजर आ रहे हैं, और टीएसएम के प्लेयर्स की बात करें तो वो आर ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को बाहर करा सकते हैं। गॉडलाइक, व्हाट इज हैपनिंग, गॉडलाइक के प्लेयर्स एक एक करके काफी लो एचपी पर आ चुके थे, लेकिन यहां पर यूडॉक के प्लेयर को स्पॉट किया जाएगा, बट बहुत लेट हो चुका है। क्लच गॉड आखिरी प्लेयर सर्वाइविंग, बिल्कुल बट 1v2 का उनके लिए सिचुएशन होने वाला है, देखना है क्या मुश्किलात खड़ी होगी या नहीं, देखना पड़ेगा। बट देव वहां पे डाउन है, फेल इज डाउन है, रिवाइव करने की कोशिश रहेगी, एक बढ़िया ग्रेनेड आता हुआ दिखाई दे जरूर सकता है, बट रामो को आप देखे रिवाइवल उन्होंने छोड़ा हुआ, जो फिनिशर्स है वो होने चाहिए, ग्रेनेड आया नीचे की साइड पर, फियरलेस डैमेज कर सकता था उस ग्रेनेड से, बट नहीं, एक और ग्रेनेड आने वाला है, क्या वो ठिकाने पे गिरने वाला है, क्योंकि आप देखे चारों के चारों प्लेयर एक बहुत ज्यादा क्लोज सर्कल में बैठे हुए, क्लोज जगह पे बैठे हुए, बट डार की बात करी जाए वो आगे जा रहे हैं, वो भी ग्रेनेड का इस्तेमाल करेंगे, बट क्लच गॉड ये ग्रेनेड से फटेंगे, और इसी के साथ टीम गॉड लाइक नौवें स्थान पे इस मैच से बाहर। यू डॉग यहां पर बहुत